लंडो। बहुत पी रखी है, बिल्कुल होश में नहीं, पता नहीं कितनी पी रखी है, विस्की मार रखी है, वाइन मार रखी है, बियर मार रखी है, रेंचोस। नहीं बे लौंडे, औकात में रह के बात कर, रोहन चूतिए। तुम लोग औकात में रह के बातें क्यों नहीं करते बे? तुम्हारे बाप के पास आ रहे हैं क्या? लिमिट में रह के बात करना सीखो। तुम मादर चोदों की ना बहनों को ना सबसे पहले बेच देना चाहिए, जिनको ये कद्र नहीं आती है कि लड़कियों की इज्जत करना चाहिए। और तुम मादर चोदों को घर वालों को भी घुस करके मारना चाहिए, भोसड़ी वालों। तुम चूतियों को हम इसलिए झेलते हैं क्योंकि तुम लोग बिना बुलाए माँ चुदवाने आ जाते हो, मादर चोद। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता आर्टिस्ट हैं? अगर एक्सपोज कर लिया, छोटे कपड़े पहन गए, तो तुम नीच लोगों को, गंदे लोग, तुम्हारे पास ये भी नहीं पता होगा तुम्हारे एक बाप है या 10 बाप है, नीचो तुम मादर चोद लोग आकर के जो कमेंट आता कर देते हो। मेरा बस चलेगा घर में घुस कर इतना मारूं, अपनी हील से तुम लोगों को नोच डालूं नीचो। अपनी बहन के डाल मादर चोद, अपनी माँ के डाल, अपनी बेटी के डाल, भोसड़ी के। इतनी चर्बी तुम जैसे लोगों से लड़की के ली नहीं जाती है। वो लोग हो तुम लोग ना मर्द सालो, जो फेसबुक और डिजिटल मीडिया पे मादर चोदो कमेंट करते हो। तुम्हारी बेटियां ही जाके धंधे वाली बनती हैं, तुम्हारी माँ यहाँ वहाँ मरा रही होती मादर चोदो। अपनी बहन की मार साले, तेरी माँ साले, तेरी माँ जिसने तुझ जैसे चूतियों को पैदा किया, इनकी औकात कुछ होती नहीं, दूसरों के पेज पे जाके कमेंट करते हैं। तुम लोग पढ़े लिखे होते नहीं हो, तुझे भोसड़ी के पता है कितनी एडुकेटेड हूँ, समझ में? हम आर्टिस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चूतिए कुछ भी कमेंट करो। तुम लोग को तो कोर्ट डालना चाहिए नीचे।